हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर फाइव पावर। आज आईपीएल से सबसे बड़ी खबर निकल कर यह आ रही कि बेंगलोर और केआरके के बीच होने वाले मैच रद्द कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आज शाम को आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच मैच होना था, जिसे बीसीसीआई ने रद्द कर दिया गया और आईपीएल पर भी रद्द होने का खतरा मंडराने लगा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल भी अब कैंसिल हो सकता है। इस खबर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाए और आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छा वीडियो बना सकूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज शाम 7:30 बजे से केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच मैच होना था, लेकिन वह रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बीसीसीआई ने उस मैच को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि केकेआर टीम की ओर से 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, केकेआर के तरफ से 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं, जिसके कारण बीसीसीआई को तत्काल मैच स्थगित करना पड़ा और यह मैच नहीं होने वाला है। मैं बता दूं कि अब आईपीएल पर भी कैंसिल होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इस तरह से बायो बबल में रहते हुए खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव होना एक खतरा का घंटी आईपीएल के लिए कही जा सकती है, क्योंकि बायो बबल में खिलाड़ी सेफ होते हैं, नहीं किसी से मिलना जुलना होता है, फिर भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब यहाँ से केकेआर और अन्य सभी टीमों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि केकेआर जिसके टीम के साथ मैच खेले उस सभी टीम के खिलाड़ियों का जांच होगा, यदि सही सब आते हैं, निगेटिव आते हैं तो मैच होगा, नहीं तो आईपीएल पर भी अब कैंसिल होने का खतरा मंडराने लगा है।